अगर वो होली किसी रंग के कारण ऐसे फेंक करके लोग हम देखते हैं कि चलते हुए लोग जा कर के चले जा रहे हैं, टेम्पो में चले जा रहे हैं, कहीं से भी चले जा रहे हैं और एक दूसरे को देख करके एकदम सीधे मार दे रहे हैं। वो व्यक्ति को पता भी नहीं है कि हमें कोई रंग मार रहा है। अगर मालूम हो कि हमें रंग मार रहा है तो अपनी आँखों को बंद करे या कुछ करे, बगल से किसी ने फेंक दिया सीधे आँखों के अंदर में चली गई। सदा सदा के लिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी आँखें चली गई। वो आए थे वृंदावन में होली खेलने के लिए, एक दिव्य ज्योति प्राप्त करने के लिए, जो ज्योति थी वो भी उनकी चली गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मालूम रहना चाहिए कि कौन हमारे साथ में होली खेल रहा है। अगले वाले को भी मालूम होना चाहिए कि कौन हमारे साथ में रंग खेल रहा है, तो तब वो अपनी सावधानी रख सके। इसलिए रंग जो बहुत अच्छे अच्छे रंग होते हैं, थोड़े से कीमती मिलते हैं, महंगे मिलते हैं और थोड़े ही रंग में, और वो बड़े आसानी से धुल भी जाते हैं। तो हमें ऐसे ही रंगों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कि भूमि के लिए भी हानि करना हो, जल के लिए भी हानि करना हो, क्योंकि वो बहते हुए रंग फिर अंदर में जाएंगे और दूसरी चीज़ों में मिलेंगे, फिर वो बदल करके फिर जल को दूषित कर देंगे। तो हमें अपने प्रकृति, पर्यावरण, देश, सभ्यता, संस्कृति सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने त्योहारों को मनाना चाहिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति किसी भी प्रकार से आलोचना के केंद्र में ना आए। ये मेरा सुझाव। स्वामी जी, वैसे तो आखिर में ये सवाल होता है कि आप क्या सुझाव देंगे, क्या सलाह देंगे, लेकिन वो आपने पहले ही दे दिया। इसके अलावा भी, क्योंकि आप मथुरा में भी हैं और यहाँ आश्रम की तरफ से, मथुरा की तरफ से और अपनी तरफ से, और कुछ अगर आप कहना चाहें अपने मानने वालों को, अपने भक्तों को। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी त्यौहार हैं उन्हें हम बेहिचक और बड़े उल्लास के साथ में मनाएं, कि अगर हम नहीं मनाएंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी ये परंपराएं लुप्त होती हुई चली जाएंगी। इसके साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसा हमने अभी पहले भी कहा कि मर्यादा का ध्यान रखें, और ये कोई भी त्यौहार हमें किसी की प्रतिष्ठा को छीनने का अधिकार नहीं देती। इसलिए अपनी बहू बेटियों का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए, धक्का मुक्की न करते हुए अपने त्यौहारों को ऐसा बनाएं कि दूसरे लोग भी आपके त्यौहारों की प्रशंसा करें और उन त्यौहारों में अपने आप को आत्मसात करने की चेष्टा करें। इसलिए आप एक राष्ट्र के प्रहरी हैं, एक राष्ट्र के नागरिक हैं, उस राष्ट्र की और सभ्यता और संस्कृति की गरिमा को बढ़ाएं। स्वामी जी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।